वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एकेडमी। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी एज कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है इस वीडियो के हेल्प से किसी ना किसी स्टूडेंट का हेल्प हो जाए। वेल, ये वीडियो खास क्यों है, तो आइए इस पर हम बात करते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेसिक मैथ, जड़। जनरली जब मैं क्लास लेता हूँ 9th-10th का जूनियर सेक्शन का, तब प्रॉब्लम क्या आता है कि 100% में 30-40% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको आप कुछ बताइए, वो कैच कर लेंगे, आराम से लिख लेंगे, समझ लेंगे। अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी दे रहे हैं, मैं जब कुछ क्वेश्चन दे भी रहा हूँ तो आराम सॉल्व कर रहे हैं। बट 50-60% ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, या उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करें, ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत बार हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक कोर्स निकाला। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था तो मैं सबको एक बेसिक क्लास देता था कि भाई पहले तू बेसिक पढ़ ले, उसके बाद तुम अपना जो भी चैप्टर्स है वो पढ़ो, ठीक है। वेल, अब मैंने सोचा है कि क्यों ना इस जो बेसिक कोर्स है उसे ऑनलाइन लाया जाए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल का नाम है साइंस एकेडमी सिंदरी, तो अब ये क्लासेस ऑनलाइन भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वेल, आप पूरा वीडियो को देखिए, तब आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ कंटेंट है जो जड़ में मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहला है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बोर्ड मास, फैक्टराइजेशन, सॉल्विंग इक्वेशन, डिविजिबिलिटी टेस्ट, यूनिट कन्वर्शन, और जो भी आपका लिखा हुआ है। वेल, देखो कि पढ़ने वाले क्या हैं हम लोग। तो सबसे पहला है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बड़ा सिंपल चीज़ है। अब सोच रहे हो यार पांडे पढ़ा क्या रहा है, हम लोग बचपन से ही जोड़ घटाव सीख रहे हैं। तो देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम किस टाइप का एडिशन सीखेंगे, जितना भी टाइप का एडिशन है, लाइक 2+3 क्या होता है, इसी को थोड़ा सा खेल करते हैं, -2+3 क्या होता है, थोड़ा सा और इसमें खेल करते हैं, -2, -3 क्या होता है, और थोड़ा इसको करते हैं तो -2+3+4-5-6। अब बहुत बच्चा इस अलग क्वेश्चन में क्या करता है, वो करता है -+2, -3, -5, वो भूल जाता है कि हाँ माइनस साइन लगाना, तो ये सरासर रॉन्ग है। और दूसरी बात क्या है कि वैसा क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में है, तो वो बेचारा अगर कोई टीचर -2, -3, -5 को लिख देता है, उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो शर्म के मारे पूछेगा भी नहीं। बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स के कारण शर्म के कारण नहीं पूछेंगे, और गर्ल्स होंगे तो बॉयज़ के शर्म के कारण नहीं पूछेंगे, ठीक है। और या फिर टीचर का डर से नहीं पूछेंगे, और टीचर भी डांट देगा यार क्या पूछ रहे हो, क्लास 2 या 3 का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। तो वैसा भी प्रॉब्लम आता है। और किस टाइप का एडिशन हम इसमें सीखेंगे, जैसे हो गया 1/2, मतलब फ्रैक्शन का एडिशन, +4/3, इस टाइप का जितना बड़ा हो सके, ठीक है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। और क्या हम लोग सीखेंगे, लाइक वेरिएबल्स का एडिशन, कैसा कि x/2, +4x/3, -x/3, +3x/7, इस टाइप का एडिशन कैसे सीखेंगे, ठीक है। और क्या सीखेंगे, तो वेरिएबल और भी हो सकता है, लाइक x²/4, -x²/3, +x²/7, इस टाइप का भी एडिशन कैसे सीखेंगे, ठीक है। ये आपको इक्वेशन में भी काम आएगा। और क्या, पॉइंट का इक्वेशन, डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कैसे, बहुत बच्चे को इसमें समझ नहीं आता, +2, 3, 4 आ जाए, +0.002 आ जाए, -3.004 आ जाएगा। आप मैक्सिमम बच्चों को ये सवाल दे दीजिएगा, नहीं बनेगा। अगर वो थोड़ा सा भी मैथ में कमज़ोर है, उससे ये सवाल नहीं बनेगा। आप ये सारा सवाल उसको दे दीजिए। अगर आपको किसी बच्चे को चेक करना है, आप सिंपली ये सब सारा सवाल दे दीजिए, बोलिए लो बना के दिखाओ। तो जबकि ये 3, 4, 5 या 6 का सवाल है, बट वो पक्का फंसेगा अगर वो मैथ में थोड़ा कमज़ोर है तो। हाँ, अगर उसका बेसिक क्लियर है तो आराम से ये सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी टाइप का, और भी काफ़ी टाइप है, वो हम लोग बनाते समय करेंगे। तो इतना टाइप का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग सीखेंगे। उसके बाद, हाँ, उसके बाद आता है क्या हमारा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये पार्ट हो गया आपका। अब दूसरा पार्ट में क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड में भी सेम काम करेंगे, जितना टाइप का मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो भी सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि x²(x)/x टीचर लिख देगा, टीचर एटलीस्ट को x लिख देगा, अब उसको समझ में नहीं आया क्या क्यों भाई। अब वो बच्चा अगेन सेम चीज़ करेगा, शर्म के बारे में पूछेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसका पोजीशन खराब हो जाएगा क्लास में, ठीक है। तो अब उसको पोजीशन खराब करने की ज़रूरत नहीं है, वो चुपचाप अपना आराम से वो वीडियो को ऑनलाइन देख सकता है, ठीक है। और ये वीडियो एज ए कैप्सूल काम करेगा, 15-20 मिनट का एवरी क्लास होगा। ये हमको नहीं पता कितना क्लासेस होंगे, बट हर एक क्लास का ड्यूरेशन 15-20 मिनट। तो ये भाई 15-20 मिनट आराम से वो मोबाइल चलाते हुए देख सकता है, ठीक है। तो
बात करते हैं कि हम लोग की मल्टीप्लाई और डिवीजन किस टाइप का होगा, तो बेसिक से सिंपली 3 इंटू भला ये हम लोग बचपन में, अब थोड़ा इसमें खेल करेंगे, माइनस 3 इंटू 5 कर देंगे, और थोड़ा खेल कर सकते हैं माइनस 3 बाई 5 इंटू माइनस 5 बाई 6 कर देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा खेल करेंगे तो क्या कर देंगे x बाई 2 इंटू एक्स वाई बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है, इस टाइप का मल्टीप्लाई होगा। और कितना टाइप का, तो हाँ पॉइंट्स में भी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए 1.23 इंटू 0.0234 इस टाइप का मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इंटू एक्स क्यू बाई 3 इंटू 1 बाई एक्स का पावर 5। देखिए यहाँ पे डिवाइड भी आ गया, अब उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, वो अगबक आ जाएगा। और क्या आएगा आपको, इसी में आ जाएगा आपका इस टाइप का प्रॉब्लम डिवाइड वाला, कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स का पावर 3/2 है, अब उसको समझ में नहीं आया क्या करना है। और क्या है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है इंटू यहाँ पे है एक्स वाई का पावर 5 और फिर यहाँ पे एक्स बाई वाई का पावर 5, अब ये मल्टीप्लाई करके क्या करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, उसको समझ में नहीं आएगा कि एक्स क्या आएगा, वाई कटेगा नहीं कटेगा। तो ये सारा टाइप का मल्टीप्लाई हम लोग सीखेंगे। कोई छूट भी रहा क्या, नहीं। और एक टाइप का मान लीजिए कि इस टाइप का भी, ये तो सब बता ही दिए, मान लीजिए एक्स वाई का पावर मान लीजिए रह जाता फ्रैक्शन में, ऊपर में पावर में फ्रैक्शन रहे, एक्स वाई का पावर 3/2 रहा, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और बहुत सारा मल्टीप्लाई है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है, तभी पता चलेगा कि इसका क्या वैल्यू है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे डरते हैं या फिर शर्म करते हैं पूछने में कि भाई छोटा छोटा सवाल कैसे पूछे, आज तक जितना भी यूट्यूब हम लेक्चर देखे हैं उसमें सब कोई क्लास चलाता है जीरो टू हीरो, भाई जीरो से हीरो बन जाओ। अब वो क्या करते हैं, बेसिकली मान लीजिए कोई भी परसेंटेज पढ़ा रहा है तो बेसिक फिर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, अरे भाई जोड़ घटाओ सिखा, तो बेसिक का मतलब यही है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एकदम बेसिक क्लास जीरो से, जो हम लोग स्टार्टिंग में लोगों को सिखाया गया है, ठीक है। तो और क्या क्या हो सकता है, जिस ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है 3x+4 इंटू मान लीजिए x-5 है, यही मल्टीप्लाई है, और इसी मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन फैक्टराइज करके वापस आएंगे। मान लीजिए कि एक मल्टीप्लाई है x+4 और है x-2, अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x+8, इसका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से हम लोग ऐसे भी आ सकते हैं जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन जब फैक्टराइज करेंगे तो वापस हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। अगेन जब इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स का वैल्यू -4 रहेगा और एक्स का वैल्यू -12, ये सारा चीज़ सिखाया जाएगा। ये क्लास 10 में है, यहाँ से फैक्टराइज करना क्लास 10 और 9 दोनों में है, मल्टीप्लाई करना भी आपका 9 और 8 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा टाइप का मल्टीप्लाई सीख लिए हम लोग। उसके बाद आपको क्या सिखाया, बोर्ड मास। अगेन सबको पता है कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, B4(OF)M4(D4)MDIVM(ADD)SUBTRACTION। तो बोर्ड मास में आपको क्या बताया जाएगा, बोर्ड मास का रूल। लाइक बचपन से हम लोग के जो गार्जियन थे बचपन में हम लोग को, वो क्या बोलते थे, थोड़ा बता दो बाबू, 2 + 2 भागा 2 हिंदी में बोलते थे। लाइक आप अभी के गार्जियन क्या पूछते, 2+2/2। अब जिनको बोर्ड मास क्लियर है वो आराम से इसका जवाब देते हैं, कोई 2 बोल देता है कोई 3 बोल देता है। तो जिनका बोर्ड मास क्लियर है वो सही जवाब देते हैं, जिनका बोर्ड मास क्लियर नहीं है वो गलत जवाब देते हैं। तो यहाँ आप चीज़ों को सीखिए कि बहुत सारा आ जाए, लाइक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई 2+3 × 5 3-2/5 3, बड़ा सा एकदम कुछ भी आ जाए, बहुत सारा मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, ऑफ भी है, ब्रैकेट भी है, तब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो बोर्ड मास में वो सारा चीज़ सिखाया जाएगा। बोर्ड मास बेसिकली आपको ये दोनों का मिक्सचर है, यहाँ पे आपको इसका यू सिखाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फैक्टराइजेशन पे, अगेन फैक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर क्लास 8, 9, 10, ठीक है, सबके लिए फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे आप फैक्टराइज कीजिएगा, उसके बाद इक्वेशन में सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन मान लीजिए कि सबसे बेसिक फैक्टराइजेशन, मान लीजिए कि कोई हमको बचपन में सिखाता कि 10 को भाई फैक्टराइज करो, तो हम लिखते थे 2 × 5 फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक है। मान लीजिए कोई बोल दिया 15 करो, तो 3 × 5 लिखते थे। अब उसके बाद जब आप बड़े क्लास में गए तो आपको वेरिएबल का फैक्टराइजेशन सिखाया गया। क्या कोई बोला कि एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो कोई बोल दिया x × x लिख सकते हैं। कोई बोल दिया एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो बोल दें x × x। और थोड़े हायर क्लास में गए तो क्या सिखाया गया कि चलो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, अब इसको फैक्टराइज करके दिखा। तो आपने क्या किया, x कॉमन ले लिया है, x+1 बचा, ठीक है। और थोड़े बड़े क्लास में गए तो क्या सिखाया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 रहा, तो इसको आपने फैक्टराइज करके x+3 और x+2
टू कर दिया। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप का फैक्टराइजेशन चार टाइप का होता है। यहाँ पर साइन बदल जाएगा, मान लीजिए कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस माइनस दोनों से होता है। तो इस टाइप का फैक्टराइजेशन का ये चार पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, और ये चार पार्ट कर लीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा भी सवाल हो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं नहीं फंसिएगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पढ़ना है हम लोगों को, क्लास 10th में पढ़ना है। ओके, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब जितना भी टाइप का, तो इसमें भी जितना टाइप है फैक्टराइजेशन का वो सारा सिखाएंगे। इसका चार पार्ट है और बाकी ये सब सिंपल तो हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ फैक्टराइजेशन ये हो गया ना, ये हो गया। अब हाँ, अब सॉल्विंग इक्वेशन, अगेन ध्यान दीजिए कि इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा इक्वेशन रहता है x प्लस 2 इक्वल टू 4। अब बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसको समझ में नहीं आ रहा x कैसे निकाले, ठीक है। ऐसे बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन कैसे बना, आप इक्वल के इस राइट हैंड साइड में भी कुछ है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ है, इसी को ये जो आपका फैक्टराइज करने थी यही वाला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे और उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा आपका, माइनस 3 आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जितना टाइप का इक्वेशन होता है वैसे सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, लाइक ऐसा रहता है x by 2 प्लस 5x by 4 प्लस y इक्वल टू y। अब बोल दिया कि भाई x का वैल्यू बताइए, ठीक है। आपको ये सिंगल वेरिएबल हो गया, आपको डबल वेरिएबल, क्लास 10th वाले बच्चे को डबल वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। तो जितना टाइप का इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल दोनों सिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा सवाल रहा 3x प्लस y इक्वल टू 5 और x माइनस y इक्वल टू 2, बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको क्लास 10th वाले को मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th वाले को तीन मेथड सीखना है कि दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आया कि सॉल्विंग इक्वेशन में क्या क्या करेंगे। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी। भाई ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा क्योंकि मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं जाना नहीं है, आप देख लीजिए इसमें क्या क्या सीखेंगे। और हाँ, जिनको मान लो कि थोड़ा बहुत एडिशन आ रहा है, जो इसमें जितना भी पार्ट है, मान लीजिए कि आपको कोई पार्ट इसमें आता है तो आप वो वाला वीडियो स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखिए। लेकिन जिनका भी थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स में हाथ कमजोर है या फिर वीक है या फिर वो डर रहे हैं, तो क्लियर उनको ये वीडियो दिखा दीजिए, उनका मैथ कंफर्म कर रहा हूँ कुछ ना कुछ इंप्रूव तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए कि किसी किसी बच्चे को पता ही नहीं चल पाता है कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 121 है, ठीक है, तो कोई देख के ही नहीं बता पाएगा कि ये 11 से डिवाइड होगा। तो कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8, 9, 10, 11 और आगे भी, कि इन सारे नंबर को मान लीजिए कि कोई बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, ऐसे कोई बड़ा सा 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1, अब इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ, अब बोल दे कि भाई ये क्या है 11 से डिवाइड होगा। तो बच्चा को यहाँ पर हम लोग ये सिखाएंगे कि वो देख के बता देगा कि आपका 11 से डिवाइड होगा ना, या फिर हम बोल दे कि भाई बताओ कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ ये सिखाएंगे कि बच्चा सिर्फ इसको देख के बता देगा कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट में। नेक्स्ट आता है यूनिट कन्वर्सन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जूनियर सेक्शन वाले के भी इंपॉर्टेंट है। अब किसी बच्चा से बोल दे कि भाई बताओ कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, ठीक है, या फिर 1 मीटर बराबर कितना डेकामीटर होता है, ठीक है, या फिर हम बोल दिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, ठीक है। अभी मैं कोई सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है, टाइम कम है, ठीक है। तो जितना भी यूनिट कन्वर्शन है, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे। लाइक मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे जाए, जिससे बहुत बच्चे को इसमें कन्फ्यूज होता है कि मान लीजिए मीटर स्क्वायर है, मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब है तो कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यूनिट कन्वर्सन पूरा डिटेल यूनिट कन्वर्सन, उसके बाद आप कभी जिंदगी में
यूनिट कन्वर्सन में फंसिएगा नहीं। कोई बोल देगा कि भाई इतना मीटर क्यूब है उसको लीटर में कन्वर्ट करो, इतना मीटर स्क्वायर है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको जनरली ये मेंसुरेशन में मिल जाएगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम में मिल जाएगा, वहाँ यूनिट कन्वर्सन बहुत काम आता है, ठीक है। तो जहाँ भी यूनिट कन्वर्सन आएगा आपको सारा यूनिट कन्वर्सन इसमें करवा दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा यूनिट कन्वर्सन की बात। अब आते हैं बेसिक मेंसुरेशन। भाई बेसिक मेंसुरेशन में आपको बेसिक करा जाएगा लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनका पेरीमीटर एरिया और आपका क्यूब, क्यूबॉइड, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी इवेलुएट किया। यहाँ आपको देखो जैसे मान लीजिए कि क्यूब, मान लीजिए कि एक क्यूब है, ठीक है, एक मान लीजिए क्यूब है, तो यहाँ आपको सिखाया जाएगा कि फॉर्मूला इसका निकलता कैसे, इवेलुएट कैसे होता है और कैसे कुछ भी पूछ देगा मेंसुरेशन में। तो हम लोग आराम से मेंसुरेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 9 हो, 8 हो, 10 हो या फिर कोई जनरल कंपटीशन वाले हो, उनका भी मेंसुरेशन में सवाल। तो जितना भी मेंसुरेशन में जो भी शेप है, जनरल है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और क्या हो गया आपका एक कोन हो गया, एक कोन हो गया, तो इतना टाइप का ये सारा का फॉर्मूला आपको करा दिया जाएगा और बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आप समझ गए कि हम लोग बेसिक मेंसुरेशन में क्या करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है बट मैं बता रहा हूँ बार बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। जनरली क्या होता है कि 9th 10th में आजकल थोड़ा बच्चे में ईगो ज़्यादा आ गया है, अब वो कोई भी टीचर सवाल नहीं पूछेंगे। अगर मान लो कि उनसे छोटा सा रहा कि मान लीजिए कि 1 मीटर होगा कितना सेंटीमीटर होगा, वो नहीं पूछेंगे। मैं डैम श्योर हूँ कि 100 में से एक ही पूछेगा लेकिन 99 नहीं पूछा, अगर उनको नहीं आता हो। जिनको आ गया दैट इज़ गुड, बट जिनको नहीं आ रहा है वो कन्फर्म नहीं पूछेगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे में ईगो काफ़ी आ गया है, वो अपना रेपुटेशन देखते हैं, नॉलेज को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आपके घर में भी कोई भी छोटा बच्चा हो या फिर जूनियर कोई बच्चा हो जिनको मैथ में वीक हो, मैथ में नंबर नहीं आ रहा, तो कोई उसका बेसिक नहीं पकड़ रहा, वो जनरली टीचर क्या आ रहे हैं, मान लीजिए कि मैं ही आया क्लास 9 में, मैं ही कहीं पढ़ाने जा रहा, तो मैं क्या वहाँ 9 नंबर सिस्टम पढ़ा के आ गया। अगला को क्या हुआ कि वहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला टर्म आ गया कि 1/2 - 1/3 क्या होता है, मैंने सीधा कैलकुलेशन कर दिया 6 1/6 आ गया। अब जिनका जिनको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता वो पूछेगा नहीं, क्लियर बात, क्यों, क्योंकि उसका इज्जत घट जाएगा, अरे वाह क्लास में सब हंसने लगेंगे। तो उन्हीं सब स्टूडेंट के लिए ये क्लास बेसिकली है, ठीक है। तो जिनको मैथ कमजोर है, जिनका बेसिक थोड़ा सा भी कमजोर है, उनको आप ये वीडियो रिकमेंड कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना ताकि कोई भी बच्चे को फ़ायदा हो सके। ऑब्वियस ही बात है अगर आप कोई गार्जियन हैं तो आपके घर में कोई ना कोई बच्चा तो ज़रूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिक बेसिक बात सीखेंगे, लाइक कितना टाइप का ट्रायंगल होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और आपका पाइथागोरस थ्योरम, तीन चीज़ सीखेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। यहाँ नंबर सिस्टम, मैंने पहले ही ऑलरेडी नंबर सिस्टम क्लास ले लिया लेकिन वो 9th क्लास के लिए, अगेन आपको बेसिक क्लास में नंबर सिस्टम फिर से पढ़ाया जाएगा। यहाँ आपको ऑड इवन, प्राइम, नेचुरल, होल, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलसीएम एससीएफ। हालांकि मैं एलसीएम तो एडिशन में ही सिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि मान लो जब फ्रैक्शन का एडिशन सिखाऊंगा लाइक 2+3/4 या फिर 3x+4x/5 - 4x - 3x/4 तो यहाँ हमको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो मैं एलसीएम तो खैर पहले पढ़ा दूंगा, एससीएफ का यूज़ बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड बहुत को समझ में क्या है भाई, तो जनरली पूछा था कि भाई बताओ कि अगर मान लो कि आप 10 पेन 20 रुपए में ख़रीदते हैं तो 55 पेन का कॉस्ट बताइए। ये 8th क्लास के चैप्टर्स में हैं ये सारे, लेकिन ये आपको आगे भी काम करेंगे। तो वहाँ हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए कि भाई 20 दर्जन अंडे का दाम 24 रुपया है तो 40 दर्जन अंडे का दाम क्या होगा, ठीक है। तो वैसा वैसा सवाल हम लोग सारा इसमें यूनिटरी में लेंगे। दो चीज़ यहाँ छूटा था, एक क्या छूटा था, एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हाँ एक आपका क्या छूटा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, ये भी यहाँ बता देंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। बहुत को पता ही नहीं चलता कि क्यूब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं छूट रहा है बेसिक में, खैर जो भी छूटेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा ही मिलेगा, मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, भाई बहुत मेहनत लग रहा है, वैसे भी गर्मी है, पसीना इसी तो है नहीं, फ़ैन ऑफ है क्योंकि आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जिनको ये वीडियो चाहिए, आई मीन जो बेसिक एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, तो वो घंटा होता है ना उसे दबा देना, ठीक है, ताकि कोई भी हम लोग वीडियो डाले
तो आराम से लगे। देखो हर एक वीडियो 15-20 मिनट का होगा, तो आप 15-20 मिनट दे सकते हैं जिससे आपका बेसिक काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी मैथ को लेकर रोइएगा नहीं कि भाई मेरा नंबर नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्लास में रहिएगा और जवाब भी अच्छा दीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं, थैंक यू, गुड नाइट।